है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी दोपहर का हो रखा है दो बज गया है गाइस। तो 2 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चैनल पे न्यू आते हो फ्रेंड तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के साथ में वीडियो के लास्ट तक रहना। वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, आप लोगों को हम आज दिखाएंगे। गाइस मेरी बात सुन लो, ये देखो मेरी बोतल पानी पीने वाली, रियल जूस वाली। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे गोल्ड की ज्वेलरी और हम मैं भी रेडी होके दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा कि हमारे पास कितनी सारी ज्वेलरी है कि नहीं है। तो बने रहिए गोल्ड ज्वेलरी देखने के लिए। जितना भी गोल्ड का कलेक्शन है मेरी भाभी का, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैंने पहन लिया है नया सूट जो मेरे भाई की शादी में विदाई के टाइम पे पहना था और सेकेंड बारी मैं अब पहन रही हूँ। ऐसा मतलब टाइम नहीं है, मैं साड़ी वेयर करने जा रही थी, सोचा था कि मैं साड़ी पहन के फिर आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी, बट मुझे साड़ी कोई भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं इसी को पहन के और आप लोगों को ज्वेलरी दिखा देती हूँ। और तो बनी रही है, अभी मैं आपको फुल दिखाती हूँ। पूजा Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, तो गाइस कितनी सारी ज्वेलरी है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो देख सकते हो इतना सारा मैंने लगा के रखा है जो मैं आप लोगों को पहन के और ऐसे करके दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए गाइस, मैं आपको बात बताना चाहूँगी। क्या बताना चाहे? ये ज्वेलरी है, ये तो मेरा घर है, मैंने घर बनाया है। गाइस ये रहा मेरा ज्वेलरी का पिटारा। इसमें है ज्वेलरी जो मैं आपको दिखाती हूँ, भर भर के ज्वेलरी है इसमें, पहन के दिखाती हूँ। चलिए बने रही है। मम्मा मेरी बात सुनो, मम्मा मिस्टेज जो मम्मा ने भर दी हमारे को, ये ज्वेलरी वाला बॉक्स अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है तो बताओ ना, तो मुझे इस पे मेकअप करना है, ठीक है? फिर मैं अपना जैसे हमने भी सिंपल लुक दिखाया तो मैं सिंपल दिखाऊंगी, फिर मैं इस पे मेकअप करूंगी। थोड़ा और पास। अच्छा इससे मामा की रिंग है। मामा के हटाओ के बाहर देखियो। यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल रही हूँ, भाभी की ज्वेलरी जो भी है गोल्ड में और सिल्वर में, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। इतना ये लोग शोर कर रहे थे फ्रेंड कि मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ा। मैंने सोचा था सारा मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊंगी, बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतना मतलब शोर मचा रहे थे। भाई और भाभी जा रहे थे दवाई लेने के लिए भाभी की, तो वो रेडी हो रहे थे, भाभी भी रेडी हो रही थी, तो उसमें इतना शोर हो रहा था। मम्मी लोग शादी में जा रही थी, वो अलग से तैयार हो रही थी, तो हम वीडियो इसलिए इतनी जल्दी बना रहे थे क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। तो इन्वर्टर चला के हमने वीडियो शूट किया है क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, इसलिए मैंने साड़ी भी वेयर नहीं करी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये रही भाभी की मांगवेदी जो टूट चुकी है भाभी से, तो इसमें मैंने धागा लगा के इस बार पहनाया था उनको। और ये कुछ चांदी की अंगूठी है और चांदी की ये पायल, और भाई की भी इसमें रिंग है जो मैं पहनूंगी। ये रहा गोल्ड का सोने का हार, ये रहा भाभी का मंगलसूत्र, और इसको तो मैं नहीं पहनूंगी, बाकी जो भी है मैं सारा कुछ आपको पहन के दिखाऊंगी। तो बनी रहिए एंड तक। और चैनल पे न्यू आते हो ना फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं हार पहनने जा रही हूँ और बहुत ही प्यारा हार है, और हार मेरी ही पसंद का था। जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी है ना, सारी भाभी की मेरी ही पसंद की थी, क्योंकि मैं ही शॉपिंग करने के लिए गई थी शादी में। मम्मी पापा और मैं ही तीन लोग गए थे गोल्ड की शॉपिंग करने। जो पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम ही तीन लोग गए थे।
तो ये सारी कुछ मेरी पसंद की, तो बताइए मेरे पे कैसी लग रही है ये। और कान में मैं डेली तो नहीं पहनती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि जो झाले हैं ना ये इतनी आसानी से जाते नहीं हैं, और मैं रेगुलर कुछ पहनती नहीं हूँ, तो और भी मुझे दर्द हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से ये कान में गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हुआ, फिर भी मैंने पहना, क्योंकि मैं सब कुछ पहन के आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, क्योंकि कमेंट आया था दी आप पहन के सारी ज्वेलरी भाभी की दिखाइएगा, तभी मैं पहन रही थी। और इसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हुआ था, बहुत ही मुश्किल से इस वाले कान में गया था, और बस इतना ही था कि ब्लड नहीं आया, लेकिन बहुत ही दर्द मुझे हुआ इस कान में। उस कान में इतना नहीं हुआ जितना इस कान में मुझे दर्द हुआ। बहुत ही मुश्किल से मैंने कर तो लिया इसको अंदर। फिर मैं नोज रिंग पहनूंगी, यानी कि नथनी पहनूंगी, और इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है दुल्हन का, है ना। जब नथनी पहनो ना, तभी पूरा दुल्हन वाला लुक आता है। और बहुत ही प्यारी नथ है, और जिसमें जो ये लगी हुई है ना साइड में, जो मैंने बालों में फंसाया है, इसको बोलते हैं लर। ये भी इस गोल्ड की ही है पूरी, ये नथनी गोल्ड की ही है भाभी की, और मैं रिंग बता रही थी भाभी की, तो ये दोनों रिंग बहुत ही प्यारी हैं। ये भाई की रिंग मैंने पहन ली भाई को चिढ़ाने के लिए कि अब ये मेरी हो गई, तो भाई कह रहा नहीं ये मेरी है। फिर जुगाड़ से मैंने मांग टीका लगा लिया, क्योंकि मांग टीका टूट चुका है। पहनूंगी मैं छमछम वाली पायल, पायल के बिना तो सब बेकार है। तो ये भाभी की पायल है जो शादी में मिली थी उनको। और शोर मचा रहे हैं आज। हम पहले सोचे थे कि बाद में बनाऊंगी, लेकिन मैं सोचा अभी बना लूं, लाइट आ नहीं रही है ना, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं अभी बना रही। इतना शोर ये लोग कर रहे हैं, सब वॉइस ओवर मुझे करना पड़ेगा। करेगा करेगा वॉइस ओवर होगा रे। ये देखिए गाइस, ये है मंगलसूत्र। तो भाभी का मंगलसूत्र मैंने आपको दिखाया, वो तो मैंने नहीं पहना। और ये रही कमर पेटी, जिसका आप लोगों ने भर भर के पसंद किया कि कमर पेटी बहुत ज़्यादा पसंद अच्छी लगी भाभी की। तो ये रहा हाथ फूल, तो हाथ फूल ये 5 फिंगर का है, बट इसको कोई अब पहनता तो है नहीं, लेकिन शादी ब्याह में दिए जाते हैं दुल्हन को, और 5 उंगली में पहनने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। पहनने के बाद हाथ में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बताना मेरे हाथों पे अच्छा लग रहा था कि नहीं। और किस किस को शादी में मिला है तो बताइएगा कि आपके पास आपकी ससुराल से मिला था कि नहीं मिला था, कमेंट में ज़रूर बताना। और तो मैं इसको पहन के दिखा रही हूँ अभी आपको, और मैं कंफ्यूज थी कौन सी उंगली में कौन सा डालूँ, तो यहाँ पे मैंने पहन तो लिया है, और आप लोग ही बताना कि कैसा लगा मेरे हाथों पे। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और पूरे हाथ मेरे चांदी चांदी से लग रहे थे, सोने चांदी से मैं भरी हुई थी इस वक्त। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को। मैं इस हाथ में नहीं पहनूंगी, मैं इसको निकाल के भी रखूंगी। और ये रही भाभी की कमर पेटी, तो किसी का कमेंट आया था कि भाभी की कमर पेटी क्या वो बहुत डिजाइन बहुत ही प्यारी है, मुझे दिखाना, क्या छोटी है क्या? नहीं गई, छोटी नहीं है भाभी, थोड़ा सा मोटी मोटी हो गई है कमर से इस वजह से ये उनकी टाइट बैठती है। बाकी डिजाइन बहुत ही प्यारी है, न्यू डिजाइन थी जब हम लोगों ने इसे लिया था, और देख सकते। तो कमर पेटी मैंने तो लगाया नहीं, और बस आप लोगों को ऐसे ही लगा के दिखा दिया। तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी कमर पेटी, इसीलिए मैंने लिया था। मैं इसको निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चुभते हैं, पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझ पर कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो इतना मतलब शोर शराबा हो रहा था, देख सकते हो सभी लोग जा रहे थे, इस वजह से सब तो हो रहे थे रेडी, तो और भी ज़्यादा मतलब हो गया था। तो चलिए थोड़े बहुत तो फोटो शूट भी करा लेते हैं, और कुछ मैंने रील्स भी शूट की हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जितने भी न्यू आते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और मेरा ये मतलब कैसा लग रहा था, कैसा नहीं, मेरा सूट ये भी बताइएगा। मैं तो एकदम से ग्रीन परी लग रही थी, है ना, ग्रीन ग्रीन पूरा ग्रीन हो रखा था। जो मैं पार्क में चली जाती तो और भी ग्रीन हो जाता, तो बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन इतना भारी भरकम पहन के जाती ना तो सब मुझसे छीन लेते, क्योंकि सोना पहन के बाहर जाना नहीं चाहिए, है ना। मैं चालाक हूँ, अंदर ही रहूँगी। है तो प्लीज़ कोई लोग बैड कमेंट मत करना, मुझे पता जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं और वो बैड कमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन कुछ आ जाते हैं ना ऐसे जो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, उनको मेरी खुशी देखी देखी नहीं जाती है, तो वो बैड कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों के कमेंट पे ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप लोग बताना मेरी भाभी की ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा आप लोगों को, और जो भी कुछ था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और तो और हाँ, बहुत पहले कमेंट आया था, दी आपको आपकी शादी में कौन कौन सी ज्वेलरी मिली थी गोल्ड में, तो वो बताना। तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए दूसरा ब्लॉग लेके आऊँगी कि मेरी ज्वेलरी कहाँ है, किसके पास है, किसके पास नहीं है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी जब फिर से कमेंट आएगा कि दी आप अपनी ज्वेलरी के बारे में बताइए कि मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है कि नहीं है। जो भी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और तो अभी तो मैंने भाभी की ज्वेलरी पहनी है, तो आप लोग बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो अभी पूजा से थोड़ा सा और सूट कराती हूँ। और अनिका, मम्मा पे कैसी लग रही है ज्वेलरी? अच्छा लग रही है। अच्छा, और गोल्ड पहनने से ना एकदम से चार से चांद लग जाते हैं ना, लेकिन मुझे गोल्ड पहनना इतना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने पहना है आप लोग। तो यहाँ पे बन गई मैं दुल्हन, और आप लोगों के कहने पे ही मैं बनी थी दुल्हन। तो बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं। तो चलिए फटाफट थोड़े बहुत फोटो शूट भी मैं करा ही लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि जिससे बोलो ना वीडियो बना दो, कोई सही से बनाता तो है नहीं, नखरे दिखा दिखा के सभी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फोटो शूट करना बनता ही है। तो बताइए दुल्हन कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, फिर मिलते हैं आप लोगों को। गाइज चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। चलिए मैं इस ब्लॉग को गाइज यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। लाइट इतनी कट रही है कि मैं बता नहीं सकती, पूरा दिन लाइट नहीं, थोड़ी देर के लिए आई थी तो सूट किया था, फिर चली गई है नेचुरल लाइट में सूट किया। इन्वर्टर डाउन था, फिर भी एक लाइट मैंने जलाई सूट के लिए। और तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ज्वेलरी की कलेक्शन जो भी था भाभी का, मैंने आप लोगों के साथ में वो भी पहन के दिखाया, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था इसलिए। और तो बताना कैसा लगा कैसा नहीं, और जैसे भी ब्लॉग देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।